बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जेजेपी के ऑफिस सेक्रेटरी रणधीर सिंह का बयान आया है, मोदी को पीएम बनाने के लिए गठबंधन जरूरी है। तो मोदी को पीएम बनाने के लिए गठबंधन जरूरी है, ये कहा जा रहा है। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन पर सियासी संग्राम, और इस बीच यहाँ पर जेजेपी के ऑफिस सेक्रेटरी रणधीर सिंह का बयान आया है। से तो ये मानना है कि ये गठबंधन रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब हमारा लोकसभा का चुनाव नज़दीक आने जा रहा है और मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो गठबंधन जरूरी है। नहीं, अब आपके सामने कर्नाटक का चुनाव हुआ और उसमें 28 सीटें थी लोकसभा की, जिसमें 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो मुझे नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में, जैसे अब जो मेजोरिटी कांग्रेस की आई है और इधर हिमाचल में आई है, तो सीटें तो घटेंगी, घटेंगे तो गठबंधन की जरूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो ये और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता झज्जर से हमारे साथ दिनेश मेहरा जुड़ गए हैं। दिनेश, आज झज्जर के दौरे पर डिप्टी सीएम है और यहाँ पर उन्होंने विप्लव देव के बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं है, इसको किस तरीके से देखा जाए, और इसमें उन्होंने यहाँ पर और क्या कुछ कहा, जरा विस्तार से जानकारी दी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, दो कार्यक्रम दुष्यंत चौटाला के झज्जर में रखे गए थे। एक कार्यक्रम झज्जर के गांव जांगीरपुर में रखा गया था, दूसरा कार्यक्रम झज्जर के गांव दुजाना में रखा गया था। जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की और जब जो भाजपा के प्रभारी है विपुल देव, उनके सवाल पर जब उन्होंने पूछा गया कि जो भाजपा के प्रभारी विपुल देव है उनका बयान है कि जेजेपी ने कोई एहसान नहीं किया है, बदले में उनके लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसी बयान पर झज्जर में जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके निवास स्थान पर बैठक हुई थी, आपसी सहमति से हरियाणा में गठबंधन बनाया गया है और सरकार चलाई जा रही है, इसमें किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विपुल देव जो एहसान की बात कर रहे हैं, उस पर दुष्यंत चौटाला ने अपना जवाब दिया। बिल्कुल, और इन बयानबाजियों को दिनेश किस तरीके से देखा जाए, क्या माना जाए कि अब हरियाणा में जो गठबंधन सरकार अब तक सुचारू रूप से चल रही थी, दोनों ही दल ये कह रहे थे कि मजबूती से और पूरे 5 साल ये गठबंधन पूरा होगा, लेकिन अब जिस तरीके से दोनों दलों में बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है कि अंदर खाने किसी प्रकार की तनातनी दोनों दलों में शुरू हो चुकी है और गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच रहा है? जी जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी में बयानबाजी चल रही है, उचाणा सीट को लेकर भी जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, जो बीजेपी के प्रभारी हैं विपुल देव, उन्होंने कहा है जिस तरीके से बयान दिया गया, चौधरी वीरेंद्र सिंह है उनकी घरवाली है वो सीट पे चुनाव लड़ेंगी, चुनाव जीतेंगी, जबकि वहां पे जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है वो वहां से जीत कर आए हैं और वो उनकी सीट है। साथ ही जेजेपी ने भी क्लियर कर दिया है, गठबंधन रहे या ना रहे, लेकिन दुष्यंत चौटाला वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा के जो प्रभारी हैं विपुल देव, वो जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कोई बड़ा धमाका करने की तैयारी में हरियाणा में। ठीक है दिनेश, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपले जुड़ गई है। वंदना जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद। यहाँ पर जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर हरियाणा गठबंधन सरकार के दोनों दलों के बीच में हम देख रहे हैं, वंदना जी इसको किस तरीके से आप देखती है? यहाँ पर पहले विप्लव देव जो कि प्रभारी हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने मीटिंग भी की विधायकों के साथ और उन्होंने एक बयान भी दिया था कि कोई एहसान नहीं किया, मंत्री बनाए गए हैं। अब दुष्यंत चौटाला आज जब झज्जर के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है, गृहमंत्री के घर पर बैठक हुई थी और उसके बाद समझौता हुआ, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि प्रश्न जो है वो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं तो भी जवाब आ जाते हैं। सबसे पहले चीज को समझिए कि हमारा पोस्ट इलेक्शन पोल था, हमने इलेक्शन के पोस्ट पोल अलायंस था और हम जो है इलेक्शन के बाद हमारा गठबंधन बना था और हमारा गठबंधन बहुत बढ़िया ढंग से चला है। बहुत सारे लोग कहते रहे कि आज टूट जाएगा कल टूट जाएगा, लेकिन ये लगातार अच्छे से काम कर रहा है और जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो इलेक्शन 2024 की दी गई है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम इकट्ठे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उसको आज ही हम फाइनल कर दें, लेकिन
तैयारी जो है दोनों पार्टी अपने अपने स्तर पर कर रही हैं, 90 सीटों तो क्या ये इस तरीके की बयानबाजी क्या गठबंधन टूटने की ओर इशारा कर रही हैं? आप कह रही कि उसकी तैयारी है अभी से शुरू कर दी गई है, ये माना जाए फिर वंदना जी? देखिए दोनों ही स्थिति है, अगर गठबंधन रहता है तब तो मालूम होगा कि सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, लेकिन इनकेस गठबंधन नहीं रहता तो तैयारी उस ढंग से भी होनी चाहिए, तो तैयारी दोनों तरीके से होनी चाहिए। प्रभारी जी जो है वो भाजपा के प्रभारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या जो नेता है उनके पक्ष में बोलेंगे, उनके कार्यकर्ताओं के पक्ष में बोलेंगे। तो एक वही स्टेटमेंट थी जहाँ से सारी बात शुरू हुई थी, तो उन्होंने प्रेमलता जी के लिए कहा था कि वो चाणा से विधायक बनेंगी, तो स्थितियाँ आने वाले समय में क्या रहेंगी वो दोनों तरह की हो सकती है कि गठबंधन रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, लेकिन ये जो डिसीजन है ना तो ये आज हो रहा है ना ही ये ऐसा डिसाइडेड है कि सीटें डिवाइड हो गई हैं या 24 में हम किस तरह से लड़ेंगे, ये तो उस समय की बात रहेगी। लेकिन जेजेपी के जो ऑफिस सेक्रेटरी हैं रणधीर सिंह वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए गठबंधन अब जरूरी हो गया है, कर्नाटक चुनाव को याद दिला रहे हैं कि यहाँ वहाँ पे जो नतीजे रहे हैं वहाँ पर गठबंधन की जरूरत पड़ती, लेकिन अब हिमाचल का भी वो कह रहे हैं कि हिमाचल में जो स्थिति बनी, तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी को फुल मैंडेट शायद ना मिले और बीजेपी को यहाँ पर गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, ये भी जेजेपी एहसास दिला रही है। देखिए मुझे याद है 2019 से पहले 3-5 स्टेट के इलेक्शन हुए थे जिसमें से 3 स्टेट कांग्रेस ने जीते थे, उससे पहले तो ये सारा आरोप जो है कहीं ना कहीं लगा देते थे कि जो ईवीएम है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन 3 स्टेट जब जीते तो उसके बाद एक ही बात उठ गई थी कि शायद लोकसभा में झटका होगा, शायद हरियाणा नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम लोकसभा भी अच्छे नंबर से जीत कर आए, हमने हरियाणा में भी अपनी सरकार बनाई। तो लेकिन अब हाल ही के नतीजों को देखे कर्नाटक के, तो उसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो ऐसे में बीजेपी को गठबंधन की जरूरत है और गठबंधन जरूरी है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सशक्त हैं क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से काम किए हैं, जनता का साथ उनके पास है, जिस प्रकार से विदेशों में हमारे देश की धूम मच रही है, किस प्रकार से हमारे विदेश नीति लगातार सफल हो रही है, और यहाँ पर अगर जनता की भी बात करें तो जनता का लगाव लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है, तो मोदी जी के लिए गठबंधन की बात करना और वो भी हरियाणा में किसी एक पार्टी द्वारा करना, खासकर जिनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं हो, तो वो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने अपने लीडर से कितनी बात की है कितनी नहीं की मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना एक क्लियर है कि अगर ये लोकसभा में कह रहे हैं कि गठबंधन की आवश्यकता है तो हमारा एनडीए ऑलरेडी है, गठबंधन तो ऑलरेडी है उसके अंदर वो है ही, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2024 के चुनाव में हम किस प्रकार से लड़ेंगे वो वाली बात है। अभी गठबंधन बढ़िया ढंग से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुराग छुपाव वाली बात नहीं है कि हम 24 में कैसे लड़ेंगे, अभी ये फाइनल नहीं, ठीक है, लेकिन बयानबाजियां कहीं ना कहीं कई और यहाँ पर इशारा कर रही हैं, कई तरीके कयास लगाए जा रहे हैं। वंदना जी आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी से भी जुड़ गए हैं। उमेश जी यहाँ पर पहले विप्लव देव का बयान आता है कि एहसान नहीं किया, मंत्री बनाए गए हैं कोटे से आपके पार्टी के, और अब आज दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है कि किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं है, गृहमंत्री के घर पर समझौता हुआ था। वंदना जी ये कह रही हैं कि गठबंधन टूटेगा, वो खुद इस बात को कह रही हैं क्योंकि अभी क्योंकि ये तय नहीं है कि चुनाव 2024 का जो है वो साथ में लड़ा जाएगा या नहीं, क्योंकि ये जीत के बाद गठबंधन हुआ था, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या गठबंधन टूटने वाला है इस तरीके के जो कयास लगा रहे हैं इन बयानबाजियों के बाद? देखिए जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन में बीजेपी ने अपना अलग इलेक्शन लड़ा था और हम लोगों ने अलग इलेक्शन लड़ा था, लेकिन हरियाणा को किस तरीके से आगे लेकर जा रहा है, क्योंकि मैंडेट पूरा नहीं मिला था, बीजेपी को भी नहीं मिला था, हम लोगों को भी नहीं मिला था, लेकिन हरियाणा को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, हरियाणा के जो काम है वो कैसे हो सकते हैं, उसके हरियाणा को देखकर हरियाणा के लोगों को दोबारा से इलेक्शन में ना जाना पड़े, इसलिए पोस्ट इलेक्शन जो है ये गठबंधन हुआ। और अब तक जो आप देखेंगे दोनों पार्टियों ने मिलकर ही बहुत अच्छा काम किया हरियाणा के अंदर, और उसके बाद में जो बयानबाजी है वो बयानबाजी में कई बार क्या होता है कुछ चीजें ऐसे तोड़ मरोड़ के बताई जाती हैं कि लगता है कि गठबंधन टूट रहा है ये, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग जो है पूरी तरीके से निष्ठा से जो है पूरी गठबंधन को पहले भी निभाते आए हैं और आगे भी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय रहेगा, लेकिन अभी हाल ही में कल विप्लव देव बीजेपी के जो प्रभारी है उन्होंने जो निर्दलीय विधायक है उनसे बातचीत की,
निर्दलीय विधायकों ने पूरा समर्थन पूरी आस्था बीजेपी पर जताई और कुछ विधायकों के बयान भी सामने आए हैं निर्दलीयों के कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जेजेपी की ज़रूरत नहीं है, वो सही तरीके से चल रहे हैं, पूरा समर्थन उनके पास है निर्दलियों का। तो इन सब इनको किस तरीके से देखते हैं फिर, क्या माना जाए कि अब बिना जेजेपी के हरियाणा में सरकार चल सकती है, जिस तरीके की आस्था निर्दलीय विधायक जता रहे हैं? बिना जेजेपी अगर हरियाणा में सरकार चल सकती तो शायद ये निर्दलीय कोई अभी नहीं जीते, ये पहले दिन ही जीत गए थे सारे निर्दलीय जो जीते थे ये। लेकिन बीजेपी ने कभी भी निर्दलियों के दम पर जो है उनको साथ तो लिया, इनमें से कई तो ऐसे है जिनको चेयरमैन भी बनाया हुआ है, मंत्री भी बने हुए हैं, तो इसीलिए साथ तो उनका लिया। लेकिन चूंकि मजबूती से गठबंधन चलना चाहिए, मजबूती से सरकार चलनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने जेजेपी पर जो है अपना जो है विश्वास जताया और जेजेपी ने भी बीजेपी के साथ विश्वास जताया और दोनों ने मिलकर जो है बहुत अच्छी तरीके से अभी तक सरकार को चला रहे हैं जो है। तो ये निर्दलियों का जो मिलना है ये कोई पहली बार मिलना नहीं है, पहले भी मुलाकातें हुई हैं, कई बार मुलाकातें हुई हैं। लेकिन तो फिर इस तरीके के बयान फिर क्यों सामने आ रहे हैं, इस तरीके के फिर बयान क्यों निर्दलीय विधायक इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि अब बीजेपी को जेजेपी की जरूरत नहीं है? अगर आप ठीक है, मीटिंगें पहले हुई हैं, आज से 6-7 महीने की बात करें, अगर उस समय भी देखेंगे तो निर्दलियों ने एक मीटिंग रखी थी और मीटिंग रख के ये कहा था कि भाई जो है जेजेपी की जरूरत नहीं है, हम लोग जो है तैयार हैं। तो ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी जेजेपी को बिना बीजेपी को बिना शर्त इन्होंने समर्थन दिया हुआ है, पहले से समर्थन दिया हुआ है, कोई आज कुछ नया नहीं है कि ये समर्थन के लिए हाँ कर रहे हैं। इनमें नैनपाल रावत खुद चेयरमैन है, इनमें जो है जो अपने चौटाला साहब जो है बिजली मंत्री है उसके अंदर, तो ये सारे निर्दलियों को पहले से ये तो बीजेपी में मतलब सरकार में ये सम्मिलित है, ये लोग ऐसा नहीं है ये लोग सरकार में नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन उमेश जी क्या लगता है, क्योंकि 2024 का चुनाव है सर पर, ऐसे में यहाँ पर अभी कुछ तय तो हुआ नहीं है कि दोनों दल साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वंदना जी ये कह रही है कि ये तय तो हुआ नहीं है और ये जीत के बाद गठबंधन हुआ था, तो हो सकता है कि शायद इस तरीके की बयानबाजी ये टूट की कगार पर गठबंधन के हों। देखिए ये जो गठबंधन है बिल्कुल सही बात है, ये चुनाव के बाद हुआ है, चुनाव के बाद में जितने जिनकी सीटें निकल कर आई हैं उसके बाद में गठबंधन इसीलिए किया गया क्योंकि सरकार नहीं बन पा रही थी बीजेपी की। लेकिन अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं, अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या दोनों दल दोबारा से अलग होने की सोच रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने अभी भी पहले भी कहा और दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए बड़े भाई या छोटे भाई का जो चल रहा है यहाँ पर, हमारे एक तरह से बीजेपी बड़े भाई के नाते से और हम लोग छोटे भाई के नाते से उनके साथ में जुड़े हुए हैं, हम पूरी कोशिश हमारी जारी रहेगी कि ये गठबंधन बना रहे। वंदना जी एक आखिरी कमेंट, बीजेपी तो दामन नहीं छोड़ना चाहती है लेकिन जेजेपी कहीं ना कहीं छोटे भाई की तरह आपके साथ रहना चाहती है? जी बिल्कुल, मैंने भी यही कहा कि हमारा जो गठबंधन है बहुत अच्छे से चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा। जहाँ तक मिलने की बात है कि निर्दलीय विधायक मिल रहे हैं प्रभारी जी से, तो अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखेंगे या फेसबुक पेज देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पिछले कुछ समय से डेली वो किसी ना किसी संगठन या सरकार के व्यक्तियों से मिल रहे, इवन वो लोग जो इलेक्शन हारे थे उनसे भी उन्होंने एक मीटिंग की थी। तो ये मीटिंग तो उनकी लगातार चल रही है, उसको उसके लिए किसी का अटकले लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि 2024 में क्या रहेगा वो आज तय नहीं है, वो तो जेजेपी भी मान रही है और हम भी मान रहे हैं, लेकिन आज गठबंधन टूट जाएगा या नहीं आज की नहीं लेकिन भविष्य में तो हो सकती है ना इस तरीके की संभावना, आज की तो हम भी नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरीके की अभी हलचल देखने को मिल रही है हरियाणा की राजनीति में दोनों दलों के बीच में, तो अभी नहीं लेकिन 2024 जैसे जैसे पास आएगा चुनाव उस दौरान इस तरीके की चीजें हो सकती है। 24 में बैठ के डिसीजन जो है वो हाईकमांड करेगा और उसके बाद ही तय होगा कि हम किस प्रकार से जाएंगे, लेकिन इन सब चीजों का कोई भी गठबंधन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। मैं ये नहीं मानती कि कई बार क्या होता है कि प्रश्न ऐसे कर लिए जाते हैं मीडिया द्वारा, जैसे निर्दलीय विधायक निकले और उनसे प्रश्न पूछ लिया हो गया कि क्या लगता है किस प्रकार से चल जाएगा, वो नंबर को देखकर बोल रहे होंगे कि हाँ अगर नंबर देखे जाए तो नंबर तो पूरे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन टूटने वाला है या गठबंधन टूट गया है, तो ये निराधार बातें हैं। ठीक है, शुक्रिया वंदना जी, शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता दिनेश। वंदना जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं वो ये कह रही हैं कि बयानबाजियां इस तरीके की कर दी जाती हैं जब पत्रकार सवाल पूछते हैं, क्या ऐसा लगा आपको जब दुष्यंत चौटाला की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया दी गई?
जी बिल्कुल, अब कोई भी पार्टी का प्रवक्ता हो या जेजेपी का हो या बीजेपी का हो, लास्ट में ठीकरा तो मीडिया के सिर पर ही फोड़ा जाता है। और जिस तरीके से पहले जो पार्टी के कार्यकर्ता बयान देते थे, अब तो जो पार्टी के जो सर्वे सर्वा है, प्रभारी हैं, या जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला है, डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला है, उनने ये भी साफ किया है कि लोकसभा 10 लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी तैयारी कर रही है और हर लोकसभा क्षेत्र में जेजेपी बड़ा जलसा भी करेगी। ये बात ठीक है कि अब गठबंधन चल रहा है ये, लेकिन ये नहीं पता कि लोकसभा विधानसभा चुनाव तक गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अब से ही मानी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।